नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और इस वीडियो में करने जा रहा हूँ Redmi Note 5 और Samsung Galaxy J6 के बीच फुल कंपैरिजन। इस वीडियो में दोनों ही डिवाइसेस के बीच सारी चीजें कंपेयर करूंगा, यानी कि इनबॉक्स आइटम से लेकर डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस, डिस्प्ले परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनबॉक्स आइटम से। तो Redmi Note 5 के साथ आपको मिलता है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर का एडेप्टर, जो लेता है लगभग 140 मिनट का टाइम Redmi Note 5 को फुल चार्ज करने में। इसके अलावा यहां आपको मिल जाएगा एक सिलिकॉन कवर। तो वहीं Galaxy J6 के साथ आपको मिलता है एक 5 वोल्ट एंड 1 एम्पीयर का एडेप्टर, इसके अलावा एक हेडफोन। Galaxy J6 के साथ मिलने वाला चार्जर Galaxy J6 को फुल चार्ज करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लेता है। तो एडेप्टर आपको Redmi Note 5 के साथ अच्छा मिल रहा है, इसके अलावा कवर भी मिल रहा है। तो Galaxy J6 में आपको हेडफोन मिल जाएगा, जो कि Redmi Note 5 में नहीं होगा। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें लगभग लगभग सेम है। अब चलिए बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन की। तो Redmi Note 5 फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ आता है, तो Galaxy J6 आता है प्लास्टिक बॉडी के साथ। तो बिल्ड क्वालिटी में Redmi Note 5 Galaxy J6 से ज़्यादा अच्छा है। बात करें अगर डिज़ाइन की, तो दोनों ही डिवाइसेस का डिज़ाइन एकदम ट्रेंडी है और देखने में खूबसूरत लगता है। J6 को और कंपेयर करें सैमसंग के पुराने मॉडल से, तो उस हिसाब से यहाँ कुछ नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा J6 में। लेकिन Redmi Note 5 को अगर Redmi के ही डिवाइसेस से कंपेयर करें, तो वहाँ कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। सेम डिज़ाइन जो आप काफ़ी दिन से Redmi के डिवाइसेस में देखते आ रहे हो, वही आपको Note 5 में मिलेगा। इसके अलावा बॉटम की तरफ आपको Note 5 में मिलेगा मीडिया स्पीकर और चार्जिंग पॉइंट और माइक। तो वहीं Galaxy J6 में आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, हेडफोन जैक और माइक। लेफ्ट साइड पर Galaxy J6 में दिए गए हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स की, इसके अलावा सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट। तो Note 5 में केवल आपको सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेंगे लेफ्ट साइड पर। J6 में आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। तो वहीं Redmi Note 5 आता है हाइब्रिड डुअल सिम के साथ। तो यहां Galaxy J6 के साथ आपको ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाएगा कि वहां आप दोनों सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। टॉप पर Galaxy J6 में कुछ नहीं मिलेगा। तो Note 5 में आपको मिल जाएगा हेडफोन जैक, इसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन, माइक और IR ब्लास्टर। राइट साइड पर Note 5 में दिए गए हैं पावर की और वॉल्यूम कंट्रोल्स की। तो Galaxy J6 में आपको पावर की और मीडिया स्पीकर दिया गया है। टॉप ऑफ फ्रंट पर मिलेगा आपको दोनों ही डिवाइसेज में फ्रंट कैमरा, कॉलिंग स्पीकर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और LED फ्लैश। तो बैक साइड पर दोनों ही डिवाइसेज में आपको कैमरा मिल जाएगा, LED फ्लैश मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर। ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेज का डिज़ाइन बढ़िया है और यहाँ मुझे कोई भी इशू नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ बिल्ड क्वालिटी में Redmi Note 5 J6 से ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेज के डिस्प्ले की। तो Galaxy J6 में आपको मिलता है 5.6 इंच का HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका PPI है 294। तो वहीं Redmi Note 5 में आपको मिलेगा 5.99 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले, जिसका PPI है 403। तो क्योंकि यहां आपको Redmi Note 5 में हाई PPI का डिस्प्ले मिलता है, तो आपको यहां मिलेगी अच्छी डिटेलिंग एज कम्पेयर टू Galaxy J6। लेकिन Galaxy J6 में आपको मिलता है सुपर एमोलेड पैनल, तो वहां कलर रिप्रोडक्शन रहेगा कमाल का एज कम्पेयर टू Note 5। Note 5 में IPS डिस्प्ले दिया गया है, तो नेचुरल कलर आपको Note 5 में मिलेंगे। लेकिन जब आप दोनों डिस्प्ले को कंपेयर करोगे, तो J6 के कलर ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू Note 5। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें, तो Galaxy J6 का है 75.9%, तो Redmi Note 5 का है 77.4%। यानी कि 5.99 इंच का बड़ा डिस्प्ले होने के बावजूद भी Redmi Note 5 एक अच्छा डिवाइस है। हालांकि J6 भी एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, क्योंकि वहां तो आपको ऑलरेडी एक 5.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा एंड टू एंड। लेकिन क्योंकि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 5 का ज्यादा है, तो वहां आपका एक्सपीरियंस J6 के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइस के UI फीचर्स की। तो Galaxy J6 रन करता है Android Oreo ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो Redmi Note 5 रन करता है Android Nougat ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यह है दोनों ही डिवाइसेस का क्विक एक्सेस पैनल। और यहाँ शॉर्टकट्स की बात करें, तो Redmi Note 5 में भी आपको लगभग सारे जरूरी शॉर्टकट मिल जाते हैं, लेकिन Galaxy J6 में कुछ शॉर्टकट ज़्यादा दिए गए हैं एज कम्पेयर टू Note 5। हालांकि क्विक एक्सेस पैनल आप एडिट भी कर सकते हो। बात करें अगर फीचर्स की, तो Galaxy J6 में आपको मिल जाएगा ब्लू लाइट फिल्टर, तो सेम यही फीचर आपको Redmi Note 5 में रीडिंग मोड के नाम से मिलेगा। Galaxy J6 में आपको मिलता है सिक्योर फोल्डर एक फोन पर दो प्रोफाइल यूज करने के लिए, तो Redmi Note 5 में यही फीचर मिलेगा आपको सेकंड स्पेस के नाम से। Note 5 में आपको मिलता है डुअल ऐप दो फेसबुक या दो व्हाट्सएप यूज करने के लिए, तो वहीं Galaxy J6 में यही फीचर आपको मिल जाएगा डुअल मैसेंजर के नाम से। Note 5 में आपको ऐप लॉक मिल जाता है प्रीलोडेड, हालांकि Galaxy J6 में प्रीलोडेड ऐप लॉक नहीं है, लेकिन सैमसंग का ही खुद का एस सिक्योर मोड आप Galaxy ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, यानी वहां आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Note 5 में आपको मिल जाती है जेस्चर कंट्रोल, जो आपको J6 में नहीं मिलेंगे। J6 का UI आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आप अपने J6 का UI सेम टू सेम MI की UI जैसा बना सकते हो। ये फीचर आपको Note 5 में नहीं मिलेंगे। दोनों ही डिवाइसेस में आपको थीम स्टोर मिल जाएगा। J6 में आपको Samsung Pay Mini मिलेगा, तो Redmi Note 5 में आपको MI रिमोट मिलेगा। J6 में फेस अनलॉक दिया गया है, लेकिन जायरो और लाइट सेंसर नहीं है। तो वहीं Redmi Note 5 में
जाहिर वो लेट सेंसर तो है लेकिन फेस अनलॉक नहीं है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेज में आपको स्प्लिट विंडो मिल जाएगा यानी कि मल्टी विंडो मिल जाएगा। J6 में आपको गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स मिल जाएगा जो Redmi Note 5 में नहीं मिलेगा। ओवरऑल कुछ फीचर्स आपको Galaxy J6 में मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो कुछ मिल जाएंगे Redmi Note 5 में। अब चलिए चलते हैं दोनों ही डिवाइसेज के कैमरे की ओर। तो Galaxy J6 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और दोनों ही कैमरे का अपर्चर साइज है f1.9। Redmi Note 5 में रियर पर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.2, तो फ्रंट पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और दोनों ही डिवाइसेज में रियर और फ्रंट दोनों तरफ LED फ्लैश का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही डिवाइसेज में लगभग सेम कैमरा मोड्स दिए गए हैं जैसे ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, HDR मोड, नाइट मोड वगैरह। J6 में आपको एक सोशल कैमरा मोड मिल जाएगा जिसके जरिए आप अपनी फनी फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो Redmi Note 5 में वीडियो के लिए आपको स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा जो J6 में नहीं मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Note 5 से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जबकि Galaxy J6 से आप केवल फुल HD तक की ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों डिवाइसेज में फ्रंट पर LED फ्लैश मिल जाएगा जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। J6 में आपको फ्रंट पर पोर्ट्रेट मोड मिलेगा जो कि Note 5 में नहीं है। रियर कैमरे पर दोनों में से किसी भी डिवाइस में पोर्ट्रेट मोड नहीं है। बात करें अब कैमरा रिजल्ट की तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है लेकिन जब कंपेयर करते हैं दोनों ही पिक्चर्स को तो वहां Redmi Note 5 Galaxy J6 के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ही डिवाइसेज में डिटेलिंग के मामले में कोई इशू नजर नहीं आएगा, दोनों ही डिवाइसेज में आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी की तो वहाँ दोनों ही डिवाइसेज में आपको अलग अलग कलर टोन देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको स्किन टोन Galaxy J6 की ज़्यादा पसंद आए तो हो सकता है आपको Redmi Note 5 की आए। हालांकि दोनों ही डिवाइसेज कमाल के हैं। ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो Galaxy J6 का Redmi Note 5 के मुकाबले ज़्यादा कमाल का वर्क करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ Redmi Note 5 बहुत ज़्यादा कमाल है, डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है, फोकस की स्पीड भी ठीक ठाक है और कलर रिप्रोडक्शन तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। लोलाइट फोटोग्राफी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज यहाँ भी सेम हैं, अच्छे हैं। दोनों ही डिवाइसेज में जब आप लोलाइट में फोटोज लेते हो तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको थोड़ा बहुत नॉइज देखने को मिलेगा। एवरेज क्वालिटी की आपको फोटो देखने को मिलेगी, डिटेलिंग ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी और ये दोनों ही डिवाइसेज में लगभग सेम है। हालांकि कंपेयर करें और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की बात करें तो J6 कहीं ना कहीं Redmi Note 5 से लोलाइट में बेहतर है। दोस्तों ये था मेरा Galaxy J6 और Redmi Note 5 के बीच कैमरा कंपैरिजन। और पिछली बार यूजर्स का कुछ इश्यू रहा था कैमरा कंपैरिजन में कि सुपर एमोलेड यानी Galaxy J6 के डिस्प्ले पर जब आप लो कलर रिप्रोडक्शन वाला पिक्चर भी देखोगे तो वो भी कमाल नजर आएगा और Redmi Note 5 को बीट कर देगा। तो यहाँ मैं एक छोटा सा वीडियो और एड कर रहा हूँ। यहाँ ये पिक्चर Galaxy J6 से ही कैप्चर है जो J6 की स्क्रीन पर आप देख रहे हो और दूसरा पिक्चर जो Redmi Note 5 की स्क्रीन पर देख रहे हो वो Redmi Note 5 से ही कैप्चर है और यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंस। ये बस सही है कि सुपर एमुलेट पर आपको अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है लेकिन यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप इस फ्लावर को देखिए और उसके पीछे की पत्ती को देखिए। Galaxy J6 में कलर बहुत ज़्यादा वॉश आउट है तो वहीं Redmi Note 5 में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव कलर नज़र आ रहे हैं और ये केवल कैमरे क्वालिटी का ही फर्क है। हालांकि आप Redmi Note 5 वाला पिक्चर अगर Galaxy J6 पर ट्रांसफर करते हो तो फिर सेम पिक्चर आपको Galaxy J6 के डिस्प्ले पर ज़्यादा एट्रैक्टिव नज़र आएगा एज कम्पेयर टू Note 5। लेकिन Galaxy J6 का ही पिक्चर आप Redmi Note 5 से कंपेयर करोगे तो यहाँ डिस्प्ले इतना ज़्यादा कमाल नहीं दिखा सकती। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर और परफॉर्मेंस की। तो Galaxy J6 में आपको मिलता है Exynos 7870 प्रोसेसर जो कि है एक 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। इसके अलावा आपको यहां मिलता है Mali T830 GPU। Galaxy J6 आता है दो वेरिएंट में, 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 14,000 रुपये, जिस पर मिलेगा आपको 1500 रुपये का Paytm कैशबैक यानी कि इफेक्टिवली ये फोन पड़ेगा आपको 12,500 रुपये का। तो वहीं 4GB 64GB वाले वर्जन का प्राइस है 16,500, 1500 रुपये का यहाँ भी Paytm कैशबैक है, तो 4GB 64GB वाला वर्जन पड़ेगा आपको लगभग 15,000 रुपये का। बात करें Redmi Note 5 की तो वहाँ आपको मिलता है Snapdragon 625 प्रोसेसर जो कि है एक 1.9 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। इसके अलावा Note 5 में आपको मिलेगा Adreno 506 GPU। Note 5 भी दो वेरिएंट में आता है, 3GB 32GB वाले वर्जन का प्राइस है 10,000 रुपये, तो 4GB 64GB वाले वर्जन का प्राइस है 12,000 रुपये। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 5 गेमिंग के लिए Galaxy J6 से बहुत ज़्यादा अच्छा है। Galaxy J6 पर आप मीडियम ग्राफिक्स से लेकर हाई ग्राफिक्स तक की गेमिंग कर सकते हो लेकिन कुछ गेम्स में आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलेगा। तो Redmi Note 5 में मीडियम ग्राफिक्स से लेकर हाई ग्राफिक्स तक की गेमिंग में आपको कुछ इश्यू नज़र नहीं आएगा। हाई एंड गेमिंग भी आप कर सकते हो Redmi Note 5 पर लेकिन कुछ एक गेम में आपको फ्रेम ड्रॉप नज़र आ सकता है। मैंने दोनों ही डिवाइसेज के 3GB 32GB वाले वर्जन यूज किए हैं और मल्टीटास्किंग की बात करें तो वहाँ Galaxy J6 मुझे Redmi Note 5 से ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों ये था मेरा Redmi Note 5 और Galaxy J6 के बीच फुल कंपैरिजन। नो डाउट Redmi Note 5 Galaxy J6 से अच्छा डिवाइस है,
कुछ चीज़ों में, हर चीज़ में नहीं। जैसे सेल्फी में रेडमी नोट 5 उतना अच्छा नहीं है जितना गैलेक्सी J6 है, इसके अलावा मल्टीटास्किंग में भी गैलेक्सी J6 अच्छा है। तो वहीं ऊपर से लेकर नीचे तक बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में रेडमी नोट 5 गैलेक्सी J6 से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सैमसंग के फैन हो तो अब तक सैमसंग का क्या था कि कोई भी सैमसंग का डिवाइस रेडमी के किसी भी डिवाइसेस को बीट नहीं कर सकता था या उसके आसपास भी नहीं होता था। तो अगर आप 10-12 हज़ार रुपये में फ़ोन चाह रहे हो और आपको MI नहीं लेना है तो गैलेक्सी J6 आपको निराश नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।